मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव चिंदौड़ा में मामूली विवाद के चलते अपने मायके आई महिला पर पति ने मारपीट करते हुए तेजाब से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई महिला की भतीजी को भी आरोपी पति ने हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल भुआ भतीजी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेहद शर्म की बात है कि कोर्ट के फैसले के बाद भी बड़ी आसानी से तेजाब बिक रहा है और लोग भी सरेआम तेजाब खरीदकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। मैं मेरी बुआ ने मुझे बुलाया था थोड़ी देर पहले, तब तो मैं गई नहीं थी किसी काम के लिए, और जब मैं दोबारा गई थोड़ी देर बाद तो फूफा जी बुआ के ऊपर वो गिर रहे थे तेजाब, तब मैंने कहा मगर ये क्या कर रहे हैं, और तो एकदम मुझे धक्का दे दिया, और धक्का भी उस तरफ को दिया जिस तरफ तेजाब पड़ा था ताकि मैं उठ ना सकूं, और फिर मैंने जो चिल्लाई तो बाइक लेके फरार हो गए वहाँ से, और मैं जब चिल्लाई तो वहाँ पे मेरे और जो चाची चाचा मम्मी थे वे सब आ गए, और फिर वे जो कपड़े जल चुके थे बदले, और फिर ये बना के मुझे यहाँ पे भेजा अस्पताल में। ये एसिड अटैक वाली घटना हुई, इस बारे में जानकारी दी। ये कोमल है, कोमल वाइफ ऑफ कपिल, उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। ये आरपीएफ में दिल्ली में नौकरी करती हैं, उनकी आई हुई थी। इनका हस्बैंड आज यहाँ आया हुआ था, इनका कोई आपसी विवाद चल रहा था, तो ये सुबह आया था, तो सुबह से लेकर शाम का दोपहर तक इनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि किसी बात को लेकर इसने इसके कोमल के ऊपर अटैक कर दिया, बोतल से तेजाब डाल दिया, इससे पीछे से वो काफ़ी दुर्घट गई है, इनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। इनके अलावा इनके भाई की लड़की है, वो भी इसके भी काफ़ी चोट आई है पीठ पर, और इसके अभियुक्त के घर पर दबिश दबाई गई है, पर वो घर अभी घर नहीं पहुंचा। इसके परिजनों को और पूछताछ के लिए थाना कटौली में पूछताछ की जा रही है।